जय श्री मनोना धाम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप पहुंचा हूं मनोना धाम। आज मैं आपको इस वीडियो में इस जगह के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि यहां पर आप कैसे पहुंचें, यहां पर ठहरने की क्या व्यवस्था है, इस धाम के नज़दीकी कौन सा रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से आप यहां तक कैसे पहुंचें, श्री उमेंद्र महाराज बाबा से आप कब मिल सकते हैं, मंदिर के खुलने और बंद होने का क्या समय है, मंदिर में दर्शन करने के क्या रूल नियम हैं, बाबा से जल कैसे फुकवाएं, जल कैसे पढ़वाएं, जल आपको कहां से मिलेगा, दर्शन करने में जल पढ़वाने में आपको कितना समय लग सकता है, इस धाम से जुड़ी हर एक छोटी सी छोटी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही धार्मिक जगहों पर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, दोस्तों ये है दिल्ली का पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। अभी रात के 11 बज रहे हैं, 11:50 पर हमारी ट्रेन है आमला रेलवे स्टेशन के लिए। आमला रेलवे स्टेशन मनोना धाम के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। मनोना धाम से जुड़ी हर एक छोटी सी छोटी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 15 से हमारी ट्रेन जाएगी आमला के लिए। आइए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मैं आ चुका हूं और हमारी ट्रेन भी दोस्तों आ चुकी है। अभी दोस्तों टाइम हो रहा है 11:40 हो रहे हैं, 10 मिनट पहले ही ये ट्रेन यहां पर आ गई है। दोस्तों ये पैसेंजर ट्रेन है जो प्रतिदिन दिल्ली से बरेली के लिए चलती है। प्रतिदिन 11:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना होती है बरेली के लिए। इस ट्रेन का नंबर है 04304। सुबह 8:25 का टाइम है इस ट्रेन का आंवला रेलवे स्टेशन पहुंचाने का। इस ट्रेन में दिल्ली से आंवला तक का ₹55 किराया है पर व्यक्ति। आप देख सकते हैं कि पूरी ट्रेन खाली पड़ी हुई है। दोस्तों ये ट्रेन दिल्ली से ही बनकर चलती है इसलिए दोस्तों खाली है। हेलो फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन अपने सही टाइम पर ठीक 11:50 पर यहां से रवाना हो चुकी है। ये ट्रेन दोस्तों गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, चंदौसी होते हुए आंवला पहुंचती है। चलो दोस्तों सफ़र का आनंद लेते हैं, अब मैं आपको मॉर्निंग में मिलूँगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आंवला रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। अभी टाइम हो रहा है दोस्तों सुबह के 8:25 हो रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों सही टाइम पर हम पहुंचे हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको कई सारे टेम्पू और बैटरी रिक्शा मनोना धाम के लिए मिल जाएंगे। शेयरिंग में दोस्तों मात्र ₹20 किराया है। मैं बैटरी रिक्शे में बैठ गया हूं और हम मनोना धाम के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों आंवला रेलवे स्टेशन से मनोना धाम की दूरी लगभग 5 किलोमीटर होगी। फाइनली हम मनोना धाम पहुंच गए हैं। हमें बैटरी रिक्शे वाले ने मनोना धाम की पार्किंग में उतार दिया था। आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, सामने दोस्तों मंदिर है। यह मनोना धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली ज़िले में है। दोस्तों यहाँ पर ठहरने की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ठहरने के लिए कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर होटल वगैरह अभी नहीं बने हैं, धीरे धीरे दोस्तों बन रहे हैं, काम चल रहा है यहाँ पर। जैसा कि आप वीडियो में अगल बगल दुकानें देख रहे हैं, टेंट लगे हुए देख रहे हैं। दोस्तों इन्हीं टेंट में
आपको व्यवस्था मिलेगी सोने की। यहाँ पे दोस्तों गद्दे बिछा दिए जाते हैं टेंट के अंदर, उन्हीं गद्दे पे दोस्तों आपको अपनी रात गुजारनी होती है। किराए पर गद्दे आपको 100 रुपये में 200 रुपये में मिल जाएंगे। कोई कोई टेंट वाला 100 रुपये मांगता है तो कोई टेंट वाला 200 रुपये मांगता है। मंदिर के बाहर आपको कई सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद, फूल मालाएँ आदि चीज़ें खरीद सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं जल लूँगा बाबा से पढ़वाने के लिए। मंदिर के पास में ही आपको जल मिल जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जल की बोतल बेची जाती है 20 रुपये की। मैंने भी एक बोतल ख़रीद ली है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। यहीं का ही जल आपको बाबा के पास ले जाना होता है। इसी जल में बाबा फूंक लगाते हैं और जल को पढ़ते हैं। यह जल अमृत के समान है, जिसको पीकर लोगों का कल्याण यहाँ पर इस धाम में हो रहा है। दूर दूर से लोग इस जल को लेने के लिए, बाबा से पढ़वाने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये देखिए यहाँ पर भक्तों की कितनी भीड़ है। हर किसी के हाथ में आप पानी की बोतल देखेंगे। यहाँ से जो आप जल की बोतल ख़रीदते हैं, उस बोतल के ढक्कन के ऊपर दोस्तों लिखा रहता है जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। यह लाइन बाबा से जल पढ़वाने के लिए लगाई गई है। मैं अभी इसमें लाइन नहीं लगाऊंगा दोस्तों। जल पढ़वाने से पहले हमें यहाँ पर खाटू श्याम महाराज के दर्शन करने होते हैं मंदिर में जाकर। सबसे पहले मैं खाटू श्याम महाराज के दर्शन करूंगा, उसके बाद जल की लाइन में लगूंगा। मैं मंदिर की लाइन में आ गया हूं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि यहां पर भी भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। प्रतिदिन यहां पर भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर, कितने लोग यहाँ पर दूर दूर से अपनी मन्नत लेकर यहाँ पर आए हैं। मंदिर में दर्शन करने में दोस्तों मेरा 2 से 2.5 घंटे का समय लग गया था। सामने आप देख रहे हो दोस्तों, वो मंदिर है, वहीं पर ही दोस्तों हमें खाटू श्याम महाराज के दर्शन होंगे। मंदिर में ही बाबा उमेंद्र महाराज जी बैठते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए आपको अलग लाइन लगानी पड़ती है, और जल फुकवाने के लिए, पढ़वाने के लिए अलग लाइन लगानी पड़ती है। कहा जाता है कि जल फुकवाने से पहले आपको मंदिर में खाटू श्याम महाराज के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद ही जल फुकवाने के लिए, पढ़वाने के लिए आपको बाबा के पास जाना होता है। देखिए आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर लोगों की। यहाँ पर एक भव्य मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, जैसा कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं। मंदिर के प्रमुख द्वार पर हम आ पहुँचे हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं वीडियो में। आइए मैं आपको मंदिर के अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। आप भी दर्शन कर लीजिए खाटू श्याम महाराज के। कमेंट बॉक्स में बाबा खाटू श्याम के नाम का जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। ऐसा करने से बाबा खाटू श्याम महाराज आपकी सभी मनोकामनाएँ ज़रूर पूरी करेंगे। मंदिर में अच्छे से मैंने दर्शन कर लिए हैं, अब मैं मंदिर के बाहर आ गया हूं। अब मैं जल पढ़वाने वाली लाइन में लगूंगा और बाबा से मुलाकात करूंगा। खाने पीने के लिए दोस्तों आपको यहां पर कई सारे ढाबे मिल जाएंगे, जहां पर आप शुद्ध शाकाहारी भोजन खा सकते हैं। दोस्तों मंदिर प्रतिदिन अपने भक्तों के लिए सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात्रि को 9 बजे बंद हो जाता है। अगर आपको बाबा श्री उमेंद्र महाराज जी से मिलना है, उनसे जल पढ़वाना है, तो मैं आपको बता दूं कि बाबा उमेंद्र महाराज जी यहाँ पर प्रतिदिन 24 घंटे बैठे रहते हैं। केवल बुधवार के दिन बाबा मंदिर में नहीं बैठते हैं, इसलिए आप बुधवार के दिन ना आएँ। मंदिर खुला रहता है, अगर आपको मंदिर में दर्शन करना है तो आप आ सकते हैं बुधवार को। अगर आपको जल पढ़वाना है या बाबा से मिलना है तो आप बुधवार के दिन ना आएँ। जो पेशेंट होते हैं, जिनको ज़्यादा इमरजेंसी होती है, तो बाबा उनसे बुधवार के दिन भी मिल लेते हैं। जो व्यक्ति चलने में असमर्थ है या किसी रोग से पीड़ित है, उन लोगों के लिए यहाँ पर टोकन मिलता है, जिसके जरिए बाबा से तुरंत उनकी मुलाकात हो जाती है। मंदिर के पास में ही टोकन काउंटर है। टोकन यहाँ पर निःशुल्क दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि किन किन लोगों को टोकन दिया जाता है, यहाँ पर बोर्ड में लिखा भी हुआ है। जो भी कोई मरीज है आपके साथ, अगर वो चल फिर नहीं सकता है, तो आप उसकी वीडियो बना लीजिए, वो वीडियो काउंटर पे दिखा देंगे आप, तो आपको वहाँ से टोकन मिल जाएगा। इमरजेंसी केसेस को बाबा जल्द से जल्द देखने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर आप अपने निजी वाहन से भी आ सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग है। जितने दिन जितने घंटे आपको यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करनी है आप खड़ी कर सकते हैं। पार्किंग का यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। दोस्तों, जल पढ़वाने वाली लाइन में मैं सुबह 11:30 बजे लगा था और अभी रात के 8:30 बज गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर भीड़ है लोगों की और कितना समय मुझे लग गया है बाबा से मिलने के लिए। प्रतिदिन यहाँ पर भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, बाबा के बिल्कुल करीब मैं आ पहुँचा हूँ। बस थोड़ी देर में हमारे दर्शन भी हो जाएंगे। दर्शन कर लीजिए दोस्तों बाबा उमेंद्र महाराज जी के। अगर आपको जल पढ़वाना है तो अपने बोतल का ढक्कन जरूर खोल लीजिएगा। बाबा जब जल पढ़ देते हैं तो वह जल अमृत के समान हो जाता है। जो भी व्यक्ति उस जल को पीता है उसके सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। बाबा ने ऐसे कई चमत्कार यहाँ पर किए हैं जिसके कारण यहाँ पर लोगों की प्रतिदिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, अब वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूँगा। इस वीडियो में मैंने आपको मनोना धाम से जुड़ी हर एक छोटी सी छोटी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या फिर मैं कुछ बताना भूल गया हूं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस पवित्र धार्मिक स्थान पर आके दर्शन प्राप्त कर सकें। बाय बाय दोस्तों, अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री मनोना धाम की। जय श्री बाबा उमेंद्र महाराज जी की।